रीवा के टीआरएस कॉलेज में 4.24 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य को लोकार्पण जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने कॉलेज परिसर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण भी किया है। मऊगंज जिले के लोअर ओवरब्रिज में हुई लूट का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। एसपी वीरेंद्र जैन का कहना है कि पिपरिया से गेहूं लोड कर एक ट्रक बनारस जा रहा था, रास्ते में चलते ट्रक बदमाशों ने बाइक लगाकर रोक कर चालक से 5000 रुपए छीन लिए। अब दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया है। विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल की स्मृति में गुरुवार की देर रात तक एनसीसी मैदान रीवा में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान के तत्वाधान में कल आज और कल हर दिन आगे बढ़ता मध्य प्रदेश विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 10 अक्टूबर को सतना आएंगे। सतना में कुछ मिनट गुजारने के बाद दोनों नेता शहडोल के ब्यौहारी रवाना होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम प्रदेश के नवगठित जिले मैहर आएंगे। अपने चौथे कार्यकाल के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री का मैहर जिले में यह पहला दौरा होगा। 158 करोड़ की लागत से अति महत्वपूर्ण सिमरिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना का सिमरिया क्षेत्र के हरदुआ चौराहे पर मुख्य अतिथि मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कार्यक्रम अध्यक्ष रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने भूमि पूजन किया। एशियन गेम्स के 74 साल के इतिहास में भारत ने पहली बार 100 मेडल का आंकड़ा छुआ है। खंडवा में कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कमलनाथ 15 महीने के कांग्रेस की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान पर गौ माता की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप भी लगाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पीएम मोदी पर दबाव बनाने के लिए अब शिवराज सिंह चौहान जनता को जरिया बना रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं कि उन्हें अगला सीएम बनना चाहिए या नहीं। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।